So here we are in Canacena Beach. बहुत ही सीन है यार, क्या शानदार नजारा है, मजा ही आ गया देख के। अच्छा Canacena Beach बहुत ही शानदार है। Canacena Beach बहुत ही सीन है एक्चुअली। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो व्यू पॉइंट है और व्यू पॉइंट से कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे दिखता है, बहुत ही आई फील। This is the view of Cabo de Rama Beach और ये भी साउथ गोवा के वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच में से आता है। This is the beautiful view of Cabo de Rama Beach, बहुत ही सुंदर। थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए लेमन सोडा डाल के साथ, सब परेशान धूप। सो फाइनली हम लोग सीढ़ियों के रास्ते बहुत मेहनत करते हुए बीच के पास आ गए। बीच वाला व्यू आप देख रहे हैं बहुत सुंदर है। सो हम लोग Cabo de Rama बीच के पास आ चुके हैं, ये बीच साइड व्यू है। फिशिंग चल रही है। हाँ फिशिंग भी चल रहा है। अच्छा पोज मारते हैं, रेडी हो जाए। काइकिंग कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। रोटी के भरोसे हमारा छोटा सा बोट है, काफी एक्सपीरियंस नाविक है मेरा। लोग काइकिंग एंजॉय कर रहे हैं, कच्चा बोट चला रही है, कच्चा के भरोसे चल रहा है। छप काइकिंग
एंजॉय कर रही है, बोट चला रही है। यार देखो देखो देखो, हो गया एक्सीडेंट हो गया। काबो डिरामा में टाइकिंग एंजॉय कर रहे हैं। छप का हालत खराब। चलो चलो चलो, काबोडीराम अभी घूमा और अभी ऊपर चढ़े हैं, काफी थकान महसूस कर रहे हैं। हालत खराब है। कच्छप का मेकअप उतर गया, नहीं उतर रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है। और अभी हम लोग चल रहे हैं काबोडीराम फोर्ट की ओर, जो यहाँ से आई थिंक 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे पेबल बीच है, तो उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। चलते हैं पेबल बीच की ओर। ओके, हमारा काबोडीराम बीच हमने विजिट कर लिया, अब हम काबोडीराम फोर्ट की ओर जा रहे हैं।